वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स ऑनलाइन पेंटिंग क्लास डे 5। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ रोज़ पेंटिंग। इससे पहले मैंने आपको सनफ्लावर पेंट करके बताया था। आपको रोज़ की पेंटिंग बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको रोज़ की ड्राइंग बता दे रही हूँ। वैसे तो ड्राइंग के लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ता है, और जो कि यहाँ से देखिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये पेड है। बट यहाँ पे मैं आपको इसलिए ड्राइंग शो कर रही हूँ क्योंकि बिना ड्राइंग के रोज़ पेंटिंग आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो, तो यहाँ पे मैं आपको शो कर दे रही हूँ कि किस तरीके से आप रोज़ को ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद इसी क्लास में मैं आपको इसको पेंट करके दिखाऊँगी। सबसे पहले जितने लोग भी ज्वाइन हो गए हैं आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। और मटेरियल में क्या चाहिए ये मैंने सनफ्लावर वाले वीडियो में दिखाया है, वहाँ से देख लीजिए। इस क्लास में भी मैं आपको लास्ट में मटेरियल दिखा दूँगी। अभी चलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। अब देखिए मैंने रोज़ कितना बड़ा सा ड्रॉ कर दिया है। फ्रेम मैंने छोटा ही सा लगाया था, अब देखिए इतना बड़ा सा मैंने रोज़ ड्रॉ कर दिया है ताकि मैं आपको जब बताऊँ शेड्स तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने बड़ा सा रोज़ ड्रॉ किया है। तो अभी मैंने फिर उसके बाद अब देखिए फ्रेम चेंज किया, थोड़ा बड़े साइज़ का फ्रेम यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि फिर वो अच्छे से फिर उसकी पेटल्स बनेगी बड़ी बड़ी सी, तब आपको शेड्स अच्छे से समझ आएंगे। छोटा बना दूंगी मैं तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगे, इसीलिए मैंने बड़ा कर दिया है। और फ्रेम चेंज करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं लीव्स को ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम बहुत ही अपनी क्यूट सी लीव को ड्रॉ करेंगे, बहुत ईजी है। और ये शेप भी मुझे बहुत पसंद है। लीव मैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादातर सारी ही पसंद है। आपको कौन सी लीव ज़्यादा पसंद है कॉमेंट में बताइएगा। चलिए तो देखिए इस साइड पे मैंने 5 लीफ ड्रॉ की है, और दूसरी साइड पे भी मैं 5 भी कर सकती हूँ ड्रॉ, बट यहाँ पे मैं 3 लीफ को ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। और ये हो गई हमारी आज की डिज़ाइन जिसको मैं आपको पेंट करके भी बताऊँगी। तो ये डिज़ाइन ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मैं कलर दिखा देती हूँ कि कौन सा कलर यूज़ करेंगे। शेड्स सबसे पहले तो मैं आपको शेड समझाऊंगी कि कौन सा शेड हमें यूज़ करना है इस रोज़ को पेंट करने के लिए। देखिए मैंने 2 जगह पे वाइट कलर लिया है और तीसरी जगह पे मैं ले रही हूँ रेड जिसका नाम क्रिम्सन 4 है। आपको स्क्रीन पे मैंने अभी शो भी कर दिया था, पॉज करके पढ़ सकते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में वाइट जिसमें मिक्स किया वो हमारा डार्क पिंक हो गया, और जो हमारा सबसे साइड वाला है उसमें मैंने और वाइट ऐड किया और मिक्स किया। तो ये हमारा लाइट पिंक का शेड, उसके बाद डार्क पिंक एंड रेड। ये इस तरीके से हमारी बहुत ही प्यारी सी पेटल बन जाएगी। तो देखिए ये हमारे कलर लाइट पिंक, डार्क पिंक एंड रेड जिससे हम शेड बनाएंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा शेड किस तरीके से करना है, क्योंकि देखिए आप नॉर्मली वाइट एंड रेड से भी पेंट कर सकते हैं। एक साइड पर आप वाइट लगाइए फिर रेड लगाइए, उसको अच्छे से फैब्रिक पे ही ब्लेंड कर लीजिए, वो बन जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको इसी तरीके से करके बताया भी है, बट आज की क्लास बिगनर स्पेशल है तो मैं आपको सारी चीज़ें बहुत इजी करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरीके से आप पेटल को पेंट करेंगे। अच्छा देखिए पेंट करना शुरू कर दिए। एक यहाँ पर आपके लिए टिप है, आप जब भी रोज़ को पेंट कर रहे हैं लेयर वाइज होता है इसका पेटल, ढेर सारे पेटल्स होते हैं, तो हमने बाहर की लेयर्स से पेंट करना शुरू किया है। अब हम क्लॉक वाइज पेंट करेंगे या तो एंटी क्लॉक वाइज, कौन सा डायरेक्शन है ये आपको स्टार्टिंग में ही चूज़ कर लेना। अब आप देखिए मैं क्लॉक वाइज पेंट कर रही हूँ और अब हम एक तरफ से ही पेंट करते चले जाएँगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने लाइट पिंक लगाया, उसके बाद डार्क पिंक और सबसे लास्ट में रेड कलर लगाया, इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, राउंड ब्रश 8 नंबर। और यहाँ पे हमारी पेटल ख़त्म हुई तो वहाँ पे हमारा रेड कलर एंड हो गया है। अब जो मैंने दूसरे पेटल को पेंट करना शुरू किया है तो वहाँ फिर मैंने रेड के बाद कौन सा कलर लगाया है, लाइट पिंक। लाइट पिंक के बाद कौन सा कलर लगाएंगे, डार्क पिंक। डार्क पिंक को अच्छे से लगाएंगे, आपस में अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ऐसे पैचेस नहीं रहना चाहिए। और फिर पहले अच्छे से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे कि हमारी शेड्स की जैसी पेटल दिखे, ऐसा नहीं दिखे कि हमने अलग अलग सा ऐसा कलर अप्लाई किया। डार्क पिंक के बाद हम कौन सा कलर लगाएंगे, रेड, ठीक है। अब रेड कलर लगा दिए और आपके पास एक क्लॉथ भी होगा जिसमें आप अपने ब्रश को साफ़ कर लेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर धुला नहीं है ब्रश, क्लॉथ में ब्रश को साफ़ करेंगे और फिर नीचे से ऊपर के साइड पर शेड करना शुरू करेंगे, और शेड हो गया।
फिर जो हमारे नेक्स्ट पेटल है लाइट पिंक कलर लिया मैंने और बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। लाइट पिंक को अप्लाई करने के बाद डार्क पिंक को अप्लाई करेंगे। अच्छा देखिए, आपको स्ट्रेट स्ट्रोक नहीं रखना है। अगर आपको शेड अच्छा बनाना है तो जब भी आप पेंट को अप्लाई करते, पेंट को लगाते अपने पेटल पे, तो आपका जो डायरेक्शन होगा ब्रश का वो थोड़ा सा कर्व होगा। देखिए, थोड़े से प्रेशर के साथ हम पेंट करेंगे और कर्व, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं जो हम बनाते हैं, ऐसा लाइन जैसा नहीं आना चाहिए। हल्का सा आपकी जब ब्रश में मूवमेंट होगी, एक प्रेशर के साथ मूवमेंट के साथ जब आप कलर अप्लाई करेंगे और शेड करेंगे तो उसकी बात अलग होती है, वो बहुत ही प्यारा सा आपका शेड आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कलर सारा मिक्स करके दिखा दिया है, तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, वीडियो क्लास जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान से देखिए, ताकि आपको वो क्वेश्चन नहीं पूछना पड़े जो ऑलरेडी मैंने क्लास में बता दिया, क्योंकि आपके उसी क्वेश्चन का बार बार आंसर देने की वजह से हो सकता है किसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपके सेम क्वेश्चन की वजह से रह जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में जिसका आंसर नहीं दिया, नहीं बता पाई हूँ, वो उस तरीके के जो क्वेश्चन हो उसका आंसर करूँ, ना कि जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे सारे कलर शो कर दिए। अब आपने वीडियो नहीं देखा अच्छे से, या आपने क्लास में ऐसा ध्यान नहीं दिया है और आपने ऐसे स्किप कर करके देख लिया, फिर आप आके पूछ रहे हैं कलर कौन सा था, कौन सा यूज़ किया, ब्रश कौन सा यूज़ किया, क्लॉथ कौन सा है, तो ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका हार्डवर्क लगता है। अगर मैं आपको इतने एफर्ट से सिखा रही हूँ तो आप ध्यान दीजिए क्लास में, और आपका जो प्रैक्टिस वर्क है वो सबमिट होगा ग्रुप में, और या तो अगर आप ग्रुप में मेंबर नहीं है तो आप DM कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अपना वर्क ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि प्रैक्टिस वर्क्स जो होते हैं आपके लिए भी बहुत ही मोटिवेटिव होते हैं। जब आप प्रैक्टिस वर्क करते हैं और बहुत सारे लोगों का भी आता है, तो आपको भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, मुझे भी पेंट करना है, मुझे भी सीखना है, मेरा काम नहीं हुआ आज का। और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो जो आप सीखेंगे वो अलग होता है। ऐसे अभी मैं कितना भी आपको बता दूँ, आपने आँख से देख लिया कि ओके ठीक है ऐसे अब ब्रश को मूव करना है, ऐसा लगाना है, ओ वाह अब तो मैं कर लूँगी, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तब आपको समझ आएगा कि उफ़ यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था। तो वो चीज़ें जो होती है ना, ये डाउट्स आपके प्रैक्टिस के साथ ही आपका इम्प्रूव भी होगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सारी बातों को छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हमारी पेटल होती है, ज़्यादातर मैंने चेक किया तो ये आप लोग का यहाँ पे मिस्टेक आता है। इससे पहले भी जो बैच था उसमें भी यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखिए, एक साइड पे मैंने डार्क कलर को अप्लाई कर दिया है, दूसरे साइड पे पिंक जो हमने अभी प्रिपेयर किया था ना, लाइट पिंक, उसको अप्लाई कर रही हूँ। तो इसको भी आपको उसी पेटल की तरह ही करना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको लाइट एंड डार्क शेड इससे बता रही हूँ ना, जो मैंने क्लास 2 में बताया था आपको, डे 2 में बताया था, लाइट एंड डार्क शेड, एक साइड पे हम डार्क रखते हैं, दूसरे साइड पे हम लाइट रखते हैं, वैसे ही आपको करना है। आपकी गलती यहाँ पे क्या हो जा रही है कि आप लोग पूरा इसको ऐसे फिल कर दे रहे हैं रेड से। तो रेड है हमारा डार्क कलर, उसके बाद जब आप कितना भी उस पर लगा रहे हैं लाइट कलर, तो वो कहीं ना कहीं उतना लाइट नहीं हो पा रहा है जितना हमें लाइट इफ़ेक्ट चाहिए। इसलिए ये जो आपकी जो नीचे वाली पेटल है वो पूरी प्लेन दिखने लगती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पूरे पेटल पे हमें रेड अप्लाई नहीं करना। अब ये लेयर जो हमारी आउटर लेयर है, देखिए वो पेंट हो चुकी है, ठीक है। इसको पेंट करने के बाद अब देखिए, मैं दूसरी सेकेंड जो हमारी लेयर है रोज़ की, उसको पेंट करना शुरू कर रही हूँ। तो इसमें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कौन सी लेयर आपकी पहली है, कौन सी दूसरी है। तो पहली आपको लेयर तभी पता चलेगी, जितनी भी बड़ी बड़ी पेटल है बाहर की, उसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पेंट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका लेयर वन। उसके बाद जो आप इसके बाद इससे लगी हुई जो पेटल होगी ना, वो होगी आपकी लेयर टू। तो लेयर टू में ऊपर के साइड पर देखिए, हमारी दो पेटल हैं ऐसे छोटी छोटी सी है, तो उसको किस तरीके से पेंट कर रही हूँ। एक साइड पे जहाँ पे हमारा पिंक था बाहर वाली लेयर में, उधर मैंने रेड लगा दिया है, और उसके बाद इधर मैं पिंक लगा रही हूँ। अब इस ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट होता है, इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो ये वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन पेंटिंग क्लास की प्लेलिस्ट में, तो आप वीडियो को रीवॉच कर लीजिएगा और देख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। गलत प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैंड उसी पे सेट हो जाएगा, बार बार गलती होगी। तो शुरू से ही सही प्रैक्टिस करिए।
अब देखिए मैंने कलर अप्लाई किया और इस तरीके से लाइट शेड पे अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद जो हमारा अब जो रोज़ का सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ मैंने डार्क कलर लगाया है, बट थोड़ा सा मुझे लाइट भी चाहिए था तो यहाँ मैंने पिंक कलर यूज़ नहीं कर रही। मैं कौन से कलर यूज़ कर रही हूँ, वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि दिखना चाहिए। अब मैं रेड पे कितना भी वो लाइट पिंक लगाती वो दिखता नहीं, तो यही मैं आपको नीचे भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि डार्क शेड जब हम लगा देते हैं तो फिर उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हमने केयरफुली उसको हैंडल नहीं किया तो सारा जो है आपका मेसअप हो जाएगा, और अगर मैंने ये लेयर अच्छे से नहीं बनाई होती तो ये तीनों चारों जो पेटल आपको अलग अलग अभी दिख रही हैं वो पूरा एक जैसा दिखता, इवन हो जाता, पूरा वो फ्लैट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए जो हमारी दो और पेटल थी उससे जुड़ी हुई ये वाली पेटल थी, ये जो हमारा शेप है रोज़ का कर्व सा, तो अब इसको पेंट करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको रोज़ पेंट करना है, तो अब देखिए हमारा ऑलमोस्ट रोज़ पेंट हो गया है। अब हम रोज़ का अपना ये वाला पार्ट पेंट करें जो कि हमने बनाया था, तो उस पर मैंने साइड साइड पे सारा डार्क कलर लगा दिया। कौन सा कलर, रेड कलर लगा दिया। फिर मैंने डार्क पिंक लिया है जो अभी हमने मिक्स करके बनाया था, और इसको इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। और जो आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे बीच में ऐसा क्या है, वहाँ पे लाइट पिंक कलर लगाऊंगी और इस तरीके से अब अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ लगाना रहता है मुझे लाइट कलर वहाँ पे मैं डार्क लगाती ही नहीं हूँ, मैं उतना पोर्शन छोड़ देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें फिर फिनिशिंग देनी पड़ती है। अगर आपसे लग गया तो कोई बात नहीं, आप वहाँ लाइट लगा के सही कर सकते हैं, बट ये फिर टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है आप उसको बार बार फिर वाइट कलर लगाएंगे, अच्छे से सेट करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो टाइम टेकिंग हुआ ना। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम अपने रोज़ पेंटिंग के लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। लेयर वाइज पेंट करेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, जो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अच्छा पहले बीच वाला पार्ट पेंट कर देती हूँ, अच्छा अब ये वाले पेटल को किस तरीके से पेंट करूँ, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बताई है। ये डिटेल वीडियो है और ये वीडियो आपको YouTube पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको कभी भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपका ये क्लास मिस हो गया है तो आप ऑनलाइन पेंटिंग क्लास लीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स YouTube चैनल पे देख सकते हैं, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और ये डिटेल वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, जब भी आपको कभी कन्फ्यूज़न आएगा कि रोज़ पेंटिंग में कि कौन सा कलर कहाँ पर लगाऊँ, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हो। रोज़ को कम्प्लीटली पेंट करने के बाद अभी मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए या डार्क होना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा हम कलर को अप्लाई करके फिनिशिंग दे देंगे रोज़ में। तो ये हमारा रोज़ जो पेंट हो चुका है, अब मैं आपको इसकी लीव पेंट करना बताऊँगी। तो सबसे पहले देखेंगे कलर कि कौन सा कलर यूज़ करने वाले हैं हम अपनी बहुत ही प्यारी सी लीव को पेंट करने के लिए। तो इसको भी मैं उसी तरीके से आपको मिक्स करके बता देती हूँ। एक साइड पर मैंने लिया वाइट एंड दूसरी साइड पे सैप ग्रीन, और सैप ग्रीन एंड वाइट को मिक्स करके एक शेड बना दिया मैंने। और ये है नीचे, फिर हम लगाएंगे सैप ग्रीन और ये हमारा जो शेड आएगा लीफ का, इसी तरीके से हम लीफ को पेंट करेंगे। आई होप कि ये शेड आपको समझ आ गया हो। चलिए अब पेंट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं नीचे के साइड पर सैप ग्रीन, उसके बाद हमने जो अभी मिक्स करके कलर बनाया था लाइट ग्रीन एंड सैप ग्रीन को, और ऊपर सबसे ऊपर हम लगाएंगे वाइट, और फिर इस तरीके से वन बाय वन इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते हुए नीचे आएंगे और लीफ को लाइन से कनेक्ट कर देंगे। फिर सेकंड लीफ को पेंट करना शुरू कर रही हूँ। राउंड ब्रश यूज़ करेंगे, सेम ब्रश है, वॉश कर लेंगे इसको और उसके बाद कपड़े से ड्राई कर लेंगे। ब्रश में अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो आपका कलर स्प्रेड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमने लगाया सैप ग्रीन, लाइट ग्रीन, वाइट। अच्छे से लगाने के बाद ब्लेंड करते हुए नीचे की साइड तक आएंगे, और उसके बाद ब्लेंड करते हुए ऊपर की साइड पे जाएंगे। और ये हमारी हो गई सेकंड लीफ पेंट, जो कि हमारे नीचे से सैप ग्रीन कलर थोड़ा सा एक जगह लग रहा था उसको सेट कर लेंगे और अपनी थर्ड लीफ को पेंट करना शुरू करेंगे। जो स्टेप बाय स्टेप सेम स्टेप है, सबसे पहले सैप ग्रीन कलर लगाएंगे। आप इसको फ्लैट ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको राउंड से दिखा रही थी तो मैं राउंड से ही कर लेती हूँ सबको पेंट। बट आपका अगर क्वेश्चन ये होगा कि क्या फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये तीनों लीव मैंने पेंट की थी, उसमें सैप ग्रीन जो है नीचे के साइड पे लगाया था मैंने, बट यहाँ पे अब जो ये है फिफ्थ लीव हमारी, फोर्थ एंड फिफ्थ लीव है, उसमें मैं नीचे के साइड पे कौन सा कलर लगा रही हूँ, वाइट लगाऊंगी, देन उसके बाद लाइट ग्रीन और सबसे ऊपर सैप ग्रीन, और उसके बाद सारे कलर को अच्छे से आपस में मिक्स एंड ब्लेंड कर देंगे, तो आपकी बहुत ही प्यारी सी लीव पेंट होके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे लीव को पेंट करने के बाद इसको हम एक लाइन से कनेक्ट करेंगे, जिस तरीके से हमने ड्राइंग को ड्रॉ किया था उसी तरीके से ये लाइन को बना देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर आपके हैंड सेट नहीं है, अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ कर लीजिएगा लाइनर ब्रश, ठीक है। उसके बाद हम रोज़ को भी इस लीव से कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हमने सैप ग्रीन पहले यूज़ किया और बाद में यहाँ पर लाइट ग्रीन यूज़ कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं सैप ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से हम पेंट कर सकते हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत रोज़ की डंठल। अब देखिए हमारी फाइव लीव तो पेंट हो गई है, बट ये तीन एक साइड की बची है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको भी पेंट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है पेंटिंग करने के बाद। तो मैं सेम ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और डिज़ाइन को कनेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो लाइनर ब्रश यहाँ पे यूज़ करिएगा। ज़्यादातर मैं एक ही ब्रश यूज़ करती हूँ, उसको वॉश करके और क्लॉथ में क्लीन कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा ब्रश चेंज नहीं करती हूँ। बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं कलर के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। अब लाइनर ब्रश लेंगे और लाइन डालना शुरू करेंगे। अब देखिए अगर आप डरे हुए हैं और ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन इस तरीके से ख़राब आएगी आपकी, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली डालेंगे ना, देखिए बहुत ही अच्छे से आएगी। बस आपको एक जगह रखना है, झटके से उठा लेना है। जब आप एक तरह से ऐसे देखिए लाइन ड्रॉ किया, फटाफट आप ऐसे देंगे, एक बार ब्रश रखेंगे और उसको आगे की साइड पर से खींचेंगे, फिर वहाँ पे एक पॉइंट पर रखेंगे और खींचेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक आप उसी पे रखे रहेंगे अपने लीव पे और डरेंगे भी कि मतलब उफ़ अच्छा ख़राब ना हो जाए, अच्छा सा आना चाहिए, ऐसा सोचेंगे तो देखिए उस तरीके से आपकी ख़राब हो जाएगी। अभी मुझे बताना था तो मैंने वैसे करके बता दिया है, डिज़ाइन थोड़ी अजीब लगने लगी, बट कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। तो ये है हमारी डे फाइव की क्लास, जिसमें मैंने आपको रोज़ पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप बताया है, और ये आपका होमवर्क है। अब आपको इसको पेंट करके सबमिट करना है। अगर आपकी डे वन टू थ्री फोर इसमें से कोई भी क्लास मिस हो गई हो, तो ये सारी क्लास आपको मिल जाएगी ऑनलाइन पेंटिंग की प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं डे सिक्स में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।